असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं ग्यारह ग्यारह सेल में आई नो आई एम लेट बट फिर भी चलें कोई बात नहीं तो हम अपना सबसे पहला पार्सल देख लेते हैं प्राइस वगैरह सब आपके साथ स्क्रीन पे मैं शो करूंगी अच्छा ये पिंक फ्लैश का लिप ग्लोव था और इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी थी लिप ग्लोव की अपनी एक जो है वो प्लास्टिक शीट के साथ कवरिंग हुई हुई थी और इस तरह से इसका जो है ये ओपनिंग है और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत अच्छा था अगर आपने जे डॉट के लिप ग्लॉस यूज किए हो तो सेम वैसा था एप्लीकेशन में भी वैसा ही है स्मेल भी ऑलमोस्ट वैसी ही है और काफी अच्छा और लगने के बाद तो पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ भी होंठों पर लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा था कलर भी इसका बहुत अच्छा है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ओके कम टू द सेकंड पार्सल इसरा से इसकी पैकिंग थी प्राइस आपके साथ शेयर की हुई है ये एक पेंडेंट कह लो आप या फिर नेकलेस कह लो इस तरह से ये दिखने में था काफी अच्छा था अब आई डोंट नो कि इसका कलर बाद में खराब हो जाए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता यूज करने के बाद ही पता लगेगा इसका लॉक वाला जो सिस्टम था वो भी बहुत ही अच्छा था इजी टू यूज है यानी अच्छे से खुद भी आप लॉक कर सकते हो और बाकी क्वालिटी वगैरह भी मुझे अच्छी लगी है फिलहाल तो बाकी कलर वगैरह मैं नहीं बता सकती कि ये ऐसा ही रहेगा कि नहीं सिल्वर चेन थी इसकी और इस तरह से पर्ल्स लगे हुए थे वाइट कलर में ओके लेट्स कम टू थर्ड पार्सल अच्छा इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से हुई हुई थी मैं जब इसको खोल रही थी तो मुझे मतलब एक दफ़ा तो लगा कि अंदर कुछ है ही नहीं खाली दे दिया उन्होंने बट फिर अंदर से इस तरह से निकला पैकिंग वगैरह और ये भी एक पेंडेंट है और सिंपल मतलब सिल्वर चेन है और सेंटर में एक वाइट पर्ल है काफी अच्छा लगता है पहने हुए और इसकी भी क्वालिटी वगैरह जो काफ़ी अच्छी थी बट अब सिल्वर चेन खराब हो जाए तो मुझे नहीं पता ये मैं यूज करने के बाद ही आपको बता सकती हूँ अच्छा ज्वेलरी को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा मैं इन चेन्स पे भी वही तरीका अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं ज्वेलरी के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेती बाद में पछताने से बेहतर है बंदा के पहले ही कुछ हल निकाले ओके लेट्स अनबॉक्स आवर फोर्थ पार्सल अच्छा इसमें जो था एक वाटर प्रूफ टेप थी जो आप कहीं पे भी मतलब लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम है बेसन वगैरह या सिंक वगैरह किचन में आप यूज कर सकते हो अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया तो मैं आपको यूज करने के बाद ही बताऊंगी और ये इस तरह से ड्र में ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होते हैं क्या आप इनको सेक्शन कर सकते हो और इस तरह से ये दो इस तरह से मुझे रिसीव हुए थे और इस एक में फोर शीट्स थे हैं इस तरह से और आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हो स्क्रीन पे देख रहे हो गया आप ओके लेट्स अनबॉक्स आवर फिफ्थ पार्सल प्राइस आपके साथ मैंशन है ओके okay, ये था जिस तरह हेयर स्टाइल बनाते हैं तो ये हेयर बैंड है और इसमें आप ब्रेड वगैरह कुछ भी बना सकते हो डिफरेंट हेयर स्टाइल आप इससे बना सकते हो मैं वीडियो भी यहाँ पे अटैच कर रही हूँ ये देख रहे हो आप दराज से ही मैंने वीडियो इनकी आपके साथ शेयर कर दी है काफी अच्छी क्वालिटी थी और अभी तक मैंने खैर इसको यूज नहीं किया बट क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी थी ब्लैक कलर मैंने लिया है इसमें ब्राउन कलर भी आता है प्राइस भी अच्छी थी उस हिसाब से और इजी टू यूज है अच्छा मटेरियल इसका प्लास्टिक का ही है जिस तरह तो नॉर्मल हेयर बैंड्स होते हैं हम ब्लैक वाले यूज करते हैं स्कूल वगैरह है, में हम यूज कर देते हैं सेम वही इसकी जो है क्वालिटी वगैरह मटेरियल वही है ओके लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट पार्सल अच्छा ये आपको देखने में पता लग रहा होगा कि क्या है बट अगर फिर भी आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता देती हूँ ये कैनवस है पेंटिंग कैनवस आप कुछ भी इन पे ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी पेंट कर सकते हो अच्छा ये मैंने इनको क्यों ख़रीदा है ये बहुत ही मज़ेदार सी मुझे डील लगी ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मुझे मिल गए हैं और आपको ये टेन का सेट मिलेगा मतलब ट्वेल्व बाई ट्वेल्व के दो मिलेंगे टेन बाई टेन का दो एट बाई एट का दो सिक्स बाय सिक्स के दो और फोर बाय फोर के दो यानी आपको इस तरह से मिलेंगे और मतलब मुझे अच्छा लगा प्राइस वगैरह के हिसाब से तो मैंने इनको ख़रीद लिया और फिर मुझे यही था कि क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगी बट तो क्वालिटी इतनी भी ख़राब नहीं है हाँ वैसे अच्छे वालों के नस्पत तो थोड़े कम ही है लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं पेंटिंग वगैरह बाकी मैं करूँगी तो ही मुझे पता लगेगा लेकिन फिलहाल दिखने में आपको पता लग ही जाता है जो आर्ट वगैरह करते हैं तो उनको पता होता है मुझे उस हिसाब से अच्छे लगे हैं और प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी तो मैं इनको टेन और टेंथ दूँगी ओके लेट्स अनबॉक्स नेक्स्ट पार्सल अच्छा ये बायो एक्वा के जो है फेस मास्क थे शीट मास्क अच्छा ये इन्होंने जो लिखा हुआ था ना मैं आपको स्क्रीन पे अब दिखाती हूँ तो ये देखें इन्होंने कहा हुआ था कि ब्लूबेरी रसबेरी और इस तरह से फ्लेवर और जब दिए इन्होंने तो इस तरह से दे दिए तो खैर अब ये भी मैं यूज़ तो करूँगी बट इनमें एक ऐसा था कि वो तो बिल्कुल भी मेरे काम का नहीं है एक्नी वाला था वो अब वो मुझे किसी और को देना पड़ेगा बट ये भी मैं आपको यूज़ करने के बाद बता दूँगी कि इनके रिजल्ट वगैरह क्या हैं ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्सल अच्छा ये हैंड क्रीम थी और ये मैंने खुद से मतलब तो अपनी सजेशन पे नहीं खरीदी हुई मैंने एक इन्फ्लुएंसर को सुना था तो उन्होंने काफी इसकी तारीफें की हुई थी कि बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छी है तो मैंने फिर वहां से इंस्पायर होके खरीदी है फिलहाल मैंने इनको यूज नहीं किया मैं वीडियो में जस्ट आपको दिखाने के लिए एक मैंने खोली थी और स्मेल काफी अच्छी है बहुत अच्छी है स्मेल और काफी लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है काफी क्यूट सी मतलब इसकी वो ट्यूब सी थी ड्रेसिंग पे पड़ी हुई भी अच्छी लगती है इस तरह से ये खुलेगा और इसके जो आगे स्टॉपर लगा होता है तो इसको उतारने के बाद ही हम यूज कर सकते हैं रनिंग कंसिस्ट स्टेंसी थी इसकी और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी मतलब निकल आएगी थोड़ा सा प्रेस करने पे स्मेल इसकी काफ़ी अच्छी है अच्छा इसने मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से किया था कुछ सेकंड लगे थे और एब्जॉर्ब हो गई थी स्किन में और बाकी जो है मैं आपको सही वाले रिजल्ट्स तो बाद में ही दूंगी क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया सिर्फ वीडियो में यूज़ किया था ओके लेट्स कम टू द लास्ट पार्सल अच्छा इसमें हैंड बैग था और काफ़ी मतलब इसकी प्राइस अच्छी थी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था कलर काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छे कलर थे और मैंने इसमें से मरून या रेड अब कह लो ये मंगवाया मैंने अच्छा क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है बहुत 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 अच्छी है प्राइस के हिसाब से इसकी चेन्स बहुत ही हैवी वाली हैं जो जबरदस्त वाली होती है ना क्वालिटी वैसी है लॉकस का वही वाला है जो इसका मटेरियल है वो दिखने में भी बहुत अच्छा है और वैसे भी अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा है जिप वगैरह सब कुछ परफेक्ट है और इसके आप अंदर स्पेस भी देख सकते हो स्पेस भी काफ़ी अच्छी है और चेन को आप अगर आप लॉन्ग चेन यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो वरना जिस तरह से मैंने आपको शो करवाया तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो किसी तरह से भी आप यूज कर सकते हो लॉक भी इसका ईजी है अच्छा ये आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो बहुत देर से शेयर कर रही हूँ अब इसके प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है लेकिन कसूर मेरा भी नहीं है तेरा से चीज़ें मंगवा तो आते हैं तो टाइम लग जाता है और मैंने इतना कुछ मंगवाया था अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं आई लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ टाइम ऑलरेडी आउट हो रहा है और बैग भी जिस दिन आया है तो उसी दिन मैंने वीडियो बना दिया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़